हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानालय में। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट ब्रॉडकास्ट ग्रुप इन व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट्सएप की बात करें या व्हाट्सएप बिजनेस की, दोनों में ही हम ब्रॉडकास्ट ग्रुप को क्रिएट करने का जो हमारा प्रोसीजर रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। फ्रेंड्स, जो हमारा व्हाट्सएप बिजनेस है वो व्हाट्सएप का एक डेवलप्ड प्लेटफॉर्म है बिजनेस ओनर्स के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस में हमें बिजनेस ओनर्स के लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप के फीचर्स हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप बिजनेस में बताऊँगा कि आपको कैसे ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्रिएट करना है। अगर आपको व्हाट्सएप में क्रिएट करना है तो उसका भी प्रोसीजर सेम रहेगा फ्रेंड्स, तो इसलिए कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप बिजनेस खुला हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस के ठीक साइड में एक सर्च आइकन आ रहा है और उसके ठीक साइड में हमको यहाँ पे 3 डॉट्स हमारे एक के नीचे एक हैं। फ्रेंड्स, हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक लंबा सा ये कैटलॉग खुल गया है। तो फ्रेंड्स, जिससे पहले आपको कोई डाउट हो, मैं उससे पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमें ये हमारा आइकन जो हमारा 3 डॉट्स व्हाट्सएप बिजनेस में मिले हैं वहीं पर हमें ये व्हाट्सएप में भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें यहाँ पे न्यू ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना है तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की हमारी लिस्ट खुल जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें इस ब्रॉडकास्ट में किन किन लोगों को ऐड करना है या उनको नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ अपने फ्रेंड्स को ऐड कर लिया, मैं यहाँ पे उनको ऐड करता जाऊँगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ऐड हो चुके हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे इनको डन करना है, फ्रेंड डन मैं कैसे करूँगा? फ्रेंड, डन करने के लिए यहाँ पे ग्रीन सर्कल में एक वाइट कलर का टिक बनाया आएगा। फ्रेंड्स, हम उस पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये ब्रॉडकास्ट क्रिएट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको इनमें से कुछ लोग नए ऐड करने हैं या इनमें से कुछ लोग कम करने हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए आप यहाँ पे जो यहाँ पे नेम्स लिख के आ रहे हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है एडिट रिसिपेंट्स। अब फ्रेंड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आपको इनमें से, जैसे मैंने कुछ फ्रेंड्स अपने ऐड किए, उनमें से मुझे कुछ फ्रेंड्स हटाने हैं। जैसे फ्रेंड्स, मैंने इनको हटा दिया या इनको हटा दिया। हटाने के लिए मुझे फ्रेंड्स केवल उनके DP पे ही क्लिक करना है या फिर हम उनके नेम पे क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड्स वो यहाँ से हमारे हट जाएंगे। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पे मुझे अपना किसी फ्रेंड का नेम याद आया। जैसे फ्रेंड्स, मेरा एक फ्रेंड है अरविंद, मैंने अपना उनको सर्च किया एंड फ्रेंड्स यहाँ पे वो हमारे आ गए, मैंने उनको भी ऐड कर लिया। और फ्रेंड्स, मैंने स्क्रॉल डाउन किया, मैंने देखा कि मुझे कौन कौन से मेरे फ्रेंड्स को इसमें ऐड करना है, तो फ्रेंड्स मैंने उनको यहाँ पे इजीली ऐड कर लिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको हो गया तो आपने यहाँ पे दोबारा से डन पे क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको यहाँ पे अपने इस ब्रॉडकास्ट का एक नेम भी रखना है। फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ पे आपको माइक बना हुआ आ रहा है, आइकन आ रहा है माइक का, उसी बॉक्स में नीचे साइड में एक पेन का आइकन दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, हम उस पर क्लिक कर देंगे नाम अपने ब्रॉडकास्ट का लिखने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है, हम यहाँ पे अपने ब्रॉडकास्ट का नाम टाइप कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स, मैंने अपने इस ब्रॉडकास्ट का नाम टाइप किया ज्ञानालय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ये ब्रॉडकास्ट का नेम हो गया। अब फ्रेंड्स, हम बैक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो भी मैसेज डालेंगे वो इन सभी लोगों को 1-to-1 पहुँचेंगे। यानी फ्रेंड्स, ब्रॉडकास्ट क्रिएट करने का यही मेन हमारा फ़ायदा होता है कि हम जितने भी लोगों को ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं और जब हम ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मैसेज डालते हैं तो उन सभी लोगों पे वो मैसेज ऐसे पहुँचता है जैसा कि आप ही ने डाला है। आप ही ने 1-to-1 चैट में उनको डाला है, आपने उनको फॉरवर्ड नहीं किया है। वरना फ्रेंड्स, आप वैसे उनको डालेंगे तो वहाँ पे फॉरवर्डेड लिख के आ जाएगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट में ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स यहां पे हमने सीखा हाउ टू क्रिएट ब्रॉडकास्ट इन व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहां पे फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आगे के जानकारीप्रद वीडियो निरंतर समय पर प्राप्त होते रहें।